हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर, और थ्योरी को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया है। थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंड करना न्यूमेरिकल पेपर्स में। मेनली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि न्यूमेरिकल पेपर में डायरेक्ट जंप करते हैं न्यूमेरिकल्स में। वो मिस्टेक नहीं करनी है आपसे। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको व्यू कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन उसके बाद हमारे साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल। आपके सामने स्क्रीन में न्यूमेरिकल शेयर किया हुआ है। रुद्रा मैन्युफैक्चरर फोर प्रोडक्ट्स ABCD यूजिंग सेम प्लांट एंड प्रोसेस एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्शन पीरियड। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक बार आप रीड कर लेंगे प्लीज़। प्रोडक्ट ABCD है, उनका वॉल्यूम दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, मशीन का टाइम दिया हुआ है पर यूनिट, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है जो कि रिकवर्ड हो रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है 42,200, सेटअप कॉस्ट है 5,200, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल है 2,240, हैंडलिंग मटेरियल 8,750, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 9,400। दीज ओवर हेड कॉस्ट आर एब्जॉर्ब बाई द प्रोडक्ट ऑन अ मशीन आवर रेट ऑफ ₹4.50 पर आवर, गिविंग एन ओवर हेड कॉस्ट पर प्रोडक्ट ए का, बी का, सी का एंड डी का गिवन है आपको। उसके बाद आपको ओवर हेड एक्टिविटीज़ के हिसाब से इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, और क्वेश्चन का डिमांड है कंप्यूट एन ओवर हेड कॉस्ट पर प्रोडक्ट यूजिंग ABC, ट्रेसिंग ओवर हेड टू प्रोडक्शन यूनिट्स बाई मीन्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, यानी कॉस्ट ड्राइवर की मदद से आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू न्यूमेरिकल करना है, ठीक है? जिनके पास बुक है ये सेम क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है, जिनके पास बुक नहीं है इसका वीडियोज रजिस्टर्ड स्टूडेंट को शेयर कर दिया गया, आप उसको रेफर कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ही ध्यान से देख लिया होगा, ठीक है? तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को सबसे पहले आपके फैक्ट्री ओवरहेड को जो इसने एलोकेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स के बेसिस में किया। देखिए एग्जाम में आप फुल वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है? तो इसमें जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या हुआ, कॉस्ट ड्राइवर इस ओवरहेड पे क्या अप्लाइड हो रहा है, मशीन आवर। मशीन आवर क्या हो गया, कॉस्ट ड्राइवर हो गया, ठीक है? तो हमें सबसे पहले टोटल मशीन आवर निकालना जरूरी है, ठीक है? जो कि आपका वॉल्यूम यानी क्वांटिटी दिया हुआ है इनटू जो भी मशीन आवर्स आपका गिवन है, ठीक है? तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि वॉल्यूम कितना है आपके क्वेश्चन में। देखिए वॉल्यूम इधर गिवन है 1500 A का, ठीक है? और मशीन आवर्स कितना है, 1/4 है ना? तो ए का आपका मैं सेपरेटली भी कवर करा रही हूँ और आपको कंबाइंड में भी करा दूंगी। ए का आपका 1500 यूनिट्स है इंटू 1/4, बी का आपको दिख रहा है 6000 यूनिट, उसका भी 1/4, सी का आपका है 1600 यूनिट का 1 आवर, एंड डी का आपका कितना है 8000 यूनिट इंटू 1 आवर, ठीक है? ये सब टोटल कर लेंगे तो आपको टोटल मशीन आवर्स मिल जाएंगे, ठीक है? सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? ये सारा गिवन है आपको, तो आपको टोटल आवर्स मिल जाएंगे। कितना आ जाएगा ये, 5000 5275 आवर्स, ये आपका टोटल मशीन आवर्स हो जाएगा। और मशीन आवर का रेट अगर हमें निकालना हो तो आपकी कॉस्ट मशीन आवर की गिवन थी 42,200, फिर से देख लेते हैं। ये आपका जो गिवन है 42,200 आपका जो है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट गिवन है दिस, ठीक है? तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे रेट को, ठीक है? मशीन आवर्स का रेट हमें निकालना है, तो क्या होगा रेट,
आपका अमाउंट दिया हुआ है 42,200 डिवाइडेड बाय आपकी 5,275 आवर्स है ना, आपने जो अभी कैलकुलेट किया, तो क्या हो जाएगा रुपीज़ 8 पर आवर। ठीक है, 8 पर आवर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मशीन आवर्स। ठीक है, अब सेटअप कॉस्ट निकालेंगे। सेटअप कॉस्ट आपको निकालना है। ठीक है, इसका ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप हो जाएगा सेटअप कॉस्ट का। ठीक है, तो आपकी सेटअप कॉस्ट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपकी सेटअप कॉस्ट गिवन है 5,200, गिवन है ना 5,200, और आपका सेटअप कॉस्ट में नंबर ऑफ सेटअप्स पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ सेटअप्स देख लेते हैं क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में। ये आ गया आपका नंबर ऑफ सेटअप्स, और आपका टोटल नंबर ऑफ सेटअप है 18। तो आपका कॉस्ट पर सेटअप्स आ जाएगा। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपकी सेटअप कॉस्ट 5,200 बाई नंबर ऑफ सेटअप इज 18, तो आपका आ जाएगा रुपीज 288.89 है ना पर सेटअप। क्लियर, सेटअप कॉस्ट हो गया। अब मटेरियल का ऑर्डरिंग कॉस्ट देखेंगे, मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। मटेरियल का ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, तो ये कॉस्ट है, एक्टिविटी है, और इसका ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी गिवन है 2,240। ठीक है, 2,240 आपकी दी है, और नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर है ये गिवन है ना, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर 10 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा रुपीज 224 पर ऑर्डर। ठीक है, 2,240 आपकी कॉस्ट गिवन थी, 10 आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, आपका कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हो जाएगा रुपीज 224 पर ऑर्डर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बेब मैं बहुत आराम से करा रही हूँ ताकि आप इसको समझते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ एक ही दो क्वेश्चन को लेकिन समझ के किया ना तो आपके लिए बहुत ही ईजी है ये चैप्टर। ठीक है, तो आपने एक्टिविटीज देख ली और उसके ड्राइवर देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी क्या है, मटेरियल का हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल का हैंडलिंग कॉस्ट, ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल। ठीक, अब कॉस्ट देखते हैं, हैंडलिंग कॉस्ट कितनी गिवन है आपकी क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। 8,750 आपकी हैंडलिंग कॉस्ट गिवन है। ठीक, और नंबर ऑफ आइटम्स हैंडल्ड कितना है, आइटम हैंडल्ड कितना है 30 गिवन है, 30 आपको गिवन है। अब कॉस्ट पर यूनिट, आप कॉस्ट पर आइटम हैंडल्ड निकाल देंगे। कॉस्ट पर आइटम हैंडल्ड इज 8,750 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल्स टू रुपीज 291.67। ठीक है, पर टाइम मटेरियल हैंडल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, लास्ट आपका जो बच रहा है वो बच रहा है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स। क्या ड्राइवर होगा इसका, नंबर ऑफ स्पेयर्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिया है और कितना स्पेयर पार्ट्स दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये आपका 9,400 क्या गिवन है, 9,400 आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिया है। ठीक है, और स्पेयर पार्ट्स कितने दिए हैं, ये है ना स्पेयर पार्ट्स नंबर ऑफ टोटल 12, तो 9,400 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा
9400 डिवाइडेड बाय 12 आपका कॉस्ट आ जाएगा रुपीज 783.33 पर स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, पर स्पेयर पार्ट्स। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट होगा प्लीज तुरंत पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम इसके बाद जो करने जा रहे हैं वो ओवरहेड आइटम्स को एलोकेट करेंगे एबीसीडी में, ठीक है, और वो फाइनल होगा हमारा सॉल्यूशन। तो ये क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट? ओके, हम फाइनल जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, वन सेकेंड, आपके हो जाएंगे ओवरहेड के आइटम्स, ठीक है, आइटम्स हम लिख लेते हैं एक बार। आपका ए बी सी डी प्रोडक्ट है, ए बी सी एंड डी, ऐसे बन गई टेबल, ठीक है। और आपका सबसे पहले आपका मशीन ओवरहेड है, मशीन ओवरहेड, सेकेंड में आपका सेटअप कॉस्ट, ठीक है, सेटअप कॉस्ट हो गया आपका। थर्ड में आपका मटेरियल हैंडलिंग, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे प्लीज, थोड़ा स्पेस इश्यू है, आप फुल लिखेंगे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। फोर्थ में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, फिफ्थ में आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेयर पार्ट, ठीक है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लिख रही हूँ, आप फुल लिखेंगे स्पेयर कॉस्ट, और ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी जो हमारी क्वेश्चन की डिमांड है। टोटल ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है? पर यूनिट है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मशीन ओवरहेड है, ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मशीन ओवरहेड में कितना दिया हुआ है। आपका मशीन ओवरहेड जो है वो मशीन आर के बेसिस में, तो देखिए ए का है 1/4, बी का आपका 1/4, सी का 1 एंड डी का 1 आर, ठीक। और आपने कॉस्ट पर आर निकाला था मशीन का, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, ये आपने 8 आवर्स निकाला था ना, तो अभी हो जाएगा 1/4, 1/4, 1 आर, 1 आर एंड कॉस्ट आपकी 8 पर आर। तो अगर हम अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो आपका ये 1/4 आर इंटू रुपीस 8 है ना, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 2, ठीक है, ऐसे सब में फिल कर देंगे, ये भी 2 हो जाएगा, सेम है 1/4 इंटू 8, और ये 1 इंटू 8 था तो ये 8 और ये 8, ठीक है, क्लियर है ये? ओके, अब चलते हैं सेटअप कॉस्ट की ओर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, सेटअप कॉस्ट में आपका यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, आगे देखते हैं। सेटअप कॉस्ट में ये रहा आपका, ए में 2 सेटअप है ना, बी में 6 सेटअप है, सी में 2 है एंड देन डी में 8 सेटअप्स हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स हैं। अब सेटअप क्या है? यूनिट के बेसिस पे, तो आपका कितना यूनिट था ए में 1500, बी में 6000, सी में 1600 एंड डी में 8000, ठीक है, और आपने सेटअप कॉस्ट पर सेटअप्स निकाल दिए थे, ये आपने निकाला ना सेटअप कॉस्ट रुपीज 288.89 है ना। चलिए अब टेबल फिल कर देते हैं, मैं आपको पहला ए का दिखा रही हूँ, फिर से आप फिर डिटेल बाकी कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट पर सेटअप कितना था? 288.89 था ना, 288.89, और इंटू 5 सेटअप थे और ए की यूनिट कितनी थी? 1500 यूनिट, ठीक है, ए की यूनिट कितनी थी? 1500, तो 5 बाई 1500, मैं इसको सेपरेटली भी एक बार करके दिखा दे रही हूँ यहाँ वर्किंग में एक बार आपको, ठीक है, आपके पास स्पेस है आप प्लीज़ वहीं करेंगे, ठीक है, आई हैव अ स्पेस इश्यू इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, सेटअप का दिखा रही हूँ। आपका कॉस्ट पर सेटअप कितना था? 288.89, और मैं ए का दिखा रही हूँ आपको केवल, ठीक है, तो कितना था?
इसका टू सेटअप था, आउट ऑफ ए का यूनिट कितना था 1500। मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। सेटअप की कॉस्ट है 288.89 और ए का सेटअप आपका था 2 और ए का टोटल यूनिट था आपका 1500। ठीक है, दिस इज ऑल वी डन इट। ठीक है, 2 1500 और 288.89 कितना हो जाएगा आपका, ये 0.385 पर यूनिट आ जाएगा ना। आपको पर यूनिट निकालना है एग्जाम के लिए, है ना, आपका जो क्वेश्चन की डिमांड है। ऐसे ही सारे को सॉल्व कर लेंगे, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ। आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मेरे पास स्पेस इशू है इसलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको बहुत ही डिटेल वर्किंग देनी पड़ जाएगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपको 0.385। वैसे ही आपका बी का हो जाएगा 288.89, है ना, 288.89। नंबर ऑफ सेटअप कितने, 6। वॉल्यूम कितनी थी, 6000। आ जाएगा आपका 0.289। सी का ऐसे आएगा 288.89 इंटू सेटअप कितने थे, 2। वॉल्यूम कितनी थी, 1600। आ जाएगा आपका 0.361। ठीक है, एंड लास्ट केस में आपका कॉस्ट कितना था, सेटअप पर कॉस्ट 288.89, सेटअप कितने थे 8, वॉल्यूम कितना था 8000, है ना, आ जाएगा आपका 0.289। क्लियर सेटअप कॉस्ट का। ऐसे ही आप मटेरियल हैंडलिंग का कर लेंगे, मैं एक एग्जांपल दिखा दे रही हूँ ए का, बाकी सब आप फिल कर लेंगे। देखिए मटेरियल जो आपका हैंडल्ड है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हमने मटेरियल हैंडलिंग है, तो ए ने 5 हैंडल किया, बी ने 10 हैंडल किया, सी ने 3 हैंडल किया और डी ने आपका 12 हैंडल किया है। ठीक है, और वॉल्यूम आपका सेम है 1500, 6000, 1600 एंड 8000। क्यों, क्योंकि पर यूनिट पूछा गया है इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉस्ट की। और आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितना था, 291.67। दिखा दे रही हूँ, ये आपने कैलकुलेट किया 291.67 मटेरियल हैंडल का कॉस्ट है। कैलकुलेट कर लेंगे, सेम वे में कैलकुलेशन होगा, फिल करेंगे प्लीज। ठीक है, फिल करेंगे, जिनको डाउट है उनके लिए मैं एक कैलकुलेशन दिखा दे रही हूँ, ए का कैलकुलेशन दिखा दे रही हूँ। ए का दिखा रही हूँ मैं आपको सिर्फ, बाकी आप कर लेंगे। 291.67 इंटू 5 बाई 1500 यूनिट। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया, अब इसको आप फिल कर दीजिए फटाफट बी और सी और डी को। ऐसे सेम वे ही आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी फिल करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट आई थी आपकी 224 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आई थी। और अगर हम ए का एग्जांपल लें तो ए जो ऑर्डर कर रहे हैं उनका चल रहा है एक ऑर्डर 1, फिर बी का 4, सी का 1 एंड डी का 4 और डिवाइडेड बाय यूनिट्स सेम वे में। मैं आपको यहाँ पे एक बार सेपरेटली दिखा दे रही हूँ, ठीक है, सेपरेटली दिखा दे रही हूँ ऑर्डरिंग का कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए का दिखा रही हूँ केवल, ठीक है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 224, ठीक है, और ए का था 1, वॉल्यूम था 1500 यूनिट। ठीक है, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.15। इसी वे में आप बाकी सबका कैलकुलेट कर लेंगे।
सेम वे में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेयर पार्ट्स का है। क्विकली कैलकुलेट करेंगे, सेम वे में एडमिनिस्ट्रेशन का है, एडमिनिस्ट्रेशन का आपका देखिए आपने कैलकुलेट किया 783.33। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बता रही हूँ। ए का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 783.33 है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन का देखिए यूनिट्स कितना लिया हुआ है, मैं एक बार दिखा दे रही हूँ क्वेश्चन में। एडमिनिस्ट्रेशन का आपका गिवन है 2, 5 and 1 and then 4। ठीक है, और यूनिट्स आपकी सेम रहेंगी। मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। ए का तो 2 है इसका, और यूनिट कितनी थी, 1500 यूनिट थी, है ना, तो हो जाएगा 1.04। इसी तरीके से आप बाकी सबका कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सबका कैलकुलेट कर लेंगे। टेबल को फिल करिए एंड देन लेट्स डू द टोटल। ठीक है, टोटल कर लेंगे इसका 4.547 पर यूनिट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट ही निकालनी थी आपको, और आपने हर जगह पे आउटपुट से डिवाइड किया है। ठीक है, 3.578, 9.538, 9.231। देखिए यूनिट से आप अगर अभी डिवाइड नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ करो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, आपने ए का टोटल निकाल लिया मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाय 1500 यूनिट्स कर दिया, ये भी आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो, पूरा क्लियर हो गया हो। किसी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल वे में है, इसीलिए थ्योरी को अंडरस्टैंड करना एंड न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आपको पहले ये क्लियर हो गया हो कि क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या कॉस्ट ड्राइवर है, और एक्टिविटीज़ को कैसे डिवाइड करना है कॉस्ट ड्राइवर के। और क्वेश्चन की डिमांड थी कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, तो वो हमने निकाल दिया है, टोटल हो रहा है डिवाइडेड of the cost per unit। ठीक है, सो इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, थोड़ा सा और एडवांस्ड क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, फ्यू क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगी करने के लिए, उसके बाद हम एन नंबर ऑफ द क्वेश्चन समय समय पर करवाएंगे। आपको सजेशन यही है कि देखिए हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आपको अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो उसकी थ्योरी और बेसिक न्यूमेरिकल की कमांड होनी चाहिए, और उसको आप कई बार सॉल्व करिए। ठीक है, क्योंकि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करें वो मैटर नहीं है, आप एक ही क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन या फिर चार क्वेश्चन को आप कई बार सॉल्व करें ताकि कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद आपको टाइम मिलता है आपका, अगर आपको टाइम अलाउ होता है तो आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और हर क्वेश्चन में आपको अगर मानिए कोई चीज़, क्योंकि हर स्टूडेंट में अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं या कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो सपोज़ करो आपको कोई एक न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको अपने जो रिवीजन नोट्स बुक आपको मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपको रिवीजन पेपर्स बनाने हैं, उस रिवीजन सेट में आपने वो जो एरिया आपको ट्रबल कर रही है उसको वहाँ पे आप नोट लिखेंगे। मैंने आपको इसीलिए नोट बनाने के भी तरीके बताए कि आप उसको वहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो थ्योरी पे कमांड करनी है, बहुत ज़्यादा कमांड कर लेनी है थ्योरी पे, जिसको आपने अगर थ्योरी के क्लासेस को नहीं अटेंड किया फिर से अटेंड करो, उस पर कमांड करें। फिर उसके बाद आपको कुछ हद सिलेक्टेड क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना है ताकि कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद अगर आपको टाइम अलाउ होता है तो आप और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, और उसमें कुछ नया आपके लिए कुछ नया है आपको लगता है तो उसको आप अपने रिविजन नोटबुक में जैसे मैंने बताया है उसको नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको दोबारा से वही न्यूमेरिकल देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि टाइम बहुत कॉन्स्टेंट रहता है स्टूडेंट्स का, और एग्ज़ाम का कोर्स और सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। ठीक है, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं। ठीक है, कि हर 100 न्यूमेरिकल कर लिया लेकिन याद कुछ नहीं रह गया,
या सीखा कुछ नहीं उस न्यूमेरिकल में, या सीखा तो केवल उसी पर्टिकुलर समय के लिए या उस महीने के लिए सीखा, एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करनी है, एंड दैट्स कॉल्ड द स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस न्यूमेरिकल। हम और बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके साथ करेंगे, लेकिन आपको सजेशन यही है कि पहले कॉन्सेप्ट पे कमान करें एंड देन एन नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक है, सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू न्यूमेरिकल।